कारवां टीवी हर पल आपके साथ। नवाबगंज से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर एम पी आर्या ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कराया नामांकन। आने वाले 2022 के चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से नामांकन कराने के लिए पहुंच रहे हैं। कोई साइकिल से जा रहा है तो कोई ई रिक्शा से, मगर आज नवाबगंज से भारतीय जनता पार्टी से घोषित किए गए उम्मीदवार डॉक्टर एम पी आर्या ने सिंपल तरीके से नामांकन कराया। उनके साथ चंद लोग ही नामांकन कराने के लिए पहुंचे। आइए बात करते हैं नवाबगंज से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर एम पी आर्या से। देखिए कारवां टीवी के लिए बरेली से रियाज गुड्डू अंसारी की ये खास रिपोर्ट। जी बिल्कुल, करा क्या है, क्या आश्वास करेंगे नवाबगंज में विधानसभा? क्या कर रहे भाई, क्या है दिमाग में नवाबगंज के खाके को लेकर, क्या मुद्दा रहेगा, क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए नवाबगंज में यद्यपि विकास को लेकर के मैं बात करूंगा, पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन अभी भी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे नवाबगंज में एक बस स्टैंड का निर्माण होना है, कुड़रा कोठी से नवाबगंज तक एक चौड़ा मार्ग बनना है, व्यावसायिक शिक्षा के कई सारे संस्थान नवाबगंज क्षेत्र में बनने चाहिए, और मैं चिकित्सक हूँ इसलिए चिकित्सा के बारे में विशेष चिंता करता हूँ कि क्षेत्र में चिकित्सा के कुछ अच्छे संस्थान बनने चाहिए। 5 साल लाहौल से विधायक रहे, केसों से निर्वाचित जी, कोरोना की वजह से एक्सपायर करते जी, ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे रह गए हैं जो उनको आप मानते हैं कि वास्तव में नवाबगंज को विकास की जरूरत है? देखिए श्री केसर सिंह जी ने नवाबगंज क्षेत्र में विकास के बहुत सारे काम किए। मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने विकास के एक तरह से कीर्तिमान स्थापित किए हैं, और इतना सारा काम हुआ है कि चारों तरफ काम ही काम दिखाई देता है। बहुत कम चीज़ें हैं जिन पर अब विचार किया जा सकता है, जैसे मैंने अभी गिनाए थे आपको। नहीं, अगर आपके हिसाब से अगर इतना ही विकास हो गया है क्षेत्र में, तो वहाँ पे बहुत सारी रोडें आज भी उखड़ी हुई हैं, बहुत सारी जगह गांव हैं जहाँ आज भी बत्ती की समस्या है, पोल्स पे अभी भी तार टूटे हुए हैं और बिजली नहीं आ रही है, फिर ये कैसे रहेगा? ऐसा नहीं है, नवाबगंज में आप जा कर के देखिए, ज़्यादातर सड़कें या तो निर्मित हैं और या निर्माण का काम चल रहा है। टूटी हुई सड़कें जो हैं वो हैं जिन पर निर्माण का काम चल रहा है, और जहाँ तक बिजली की आप बात कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा कोई जगह दिखाई नहीं देती है जहाँ पर बिजली लगी हुई नहीं है। कोई भी गांव, कोई भी घर बिजली से वंचित नहीं है, बिजली लगी भी है और आती भी है। अच्छा, उनका परिवार भी एक तरफ से विरोध कर रहा है, उनके परिवार के लोग दूसरी पार्टियों से लड़ रहे हैं, इस परिप्रेक्ष्य में क्या पार्टी उन्हें मना नहीं पाई या उन्हें विश्वास में नहीं ले पाई? नहीं, बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। उषा गंगवाल लड़ रही हैं, उनके बेटे उषा जी का अपना विशाल जी, विशाल जी पूरा समर्थन कर रहे हैं, और अब मेरे साथ में वो कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ाएंगे भी, मेरे साथ भ्रमण भी करेंगे। उषा गंगवाल लड़ी, उसको क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, ये उनका अपना व्यक्तिगत सोच है, उषा जी के बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। कारवां टीवी हर पल आपके साथ।